झालावाड़ में 5 से 7 दिन पहले कृष्णा वाल्मीकि नाम के युवक पर कार में सवार 7 से 8 युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और इसके इलाज के दौरान रात को जयपुर में मौत हो गई। अब समाज सहित अन्य लोग इस हत्या के मामले में निंदा कर रहे हैं तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कराने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जल्दी से जल्दी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कृष्णा वाल्मीकि के पक्ष में आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान हो, इसको लेकर वाल्मीकि समाज सहित अन्य समाजों के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 5-7 दिन पहले कृष्णा वाल्मीकि के ऊपर झालावाड़ में निहत्थ अकेले बंदे के ऊपर 7-8 लोगों ने हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें SMS होटल जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे समस्त हिंदू समाज में रोष के आपदे। हमने राजस्थान सरकार से मांग की है, जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर, कि मृतक के परिजन को 1 को नौकरी और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाया जाए और फास्ट ट्रैक में न्यायालय में मुकदमा चलाकर 3 महीने में निस्तारण कर आरोपियों को, सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है।